दो गुटों की झड़प के बाद गोला बाजार में मची अफरा तफरी, पुलिस तैनात। शिरघाटी के गोला बाजार में रविवार की रात करीब 8:30 बजे दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद अफरा तफरी मच गई और धड़ाधड़ दुकानें बंद होने लगी। झगड़े में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। यह लड़ाई काली मंदिर से चंद गज के फासले पर गांजा मोड़ के समीप हुई है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस को भी एक गुट के समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। बाद में पुलिस ने लोगों को खदेड़कर स्थिति को नियंत्रित किया। इससे पूर्व भीड़ भरे इस बाजार में लोग इधर उधर भागने लगे थे। मौके पर पुलिस जवानों के साथ सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह और रामेश्वर पांडे तैनात हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे वाली जगह से दो घायलों को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों घायलों की पहचान क्रमशः गोला बाजार के ठेला पर फल बेचने वाले पप्पू कुमार के अलावा एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी के डिलीवरी बॉय और पलकिया के निवासी सुखराम के रूप में की गई है। झगड़े का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मैं इसको एक गाली भी नहीं दिया, ये मेरे को पहला हाथ चलाया। मैं इसको बोला भी, बाबू मेरे को क्यों बोल रहा है, मैं कुछ बोला आपको? ये बोला कि नहीं, पहला फिर हाथ चला दिया। फिर मैं जा रहा था, इसका 200 आदमी खरीद रहा था, पता नहीं किसको खरीद रहा, और बीच में हम पकड़ा गए। 200 आदमी बीच में मार रहा था इट्टा से, रड से देखिए मार के गोड़ फुला दी, पूरा मारी मार के। सर छोटा बाबू आए, बड़ा बाबू पता नहीं आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम कुमार हुआ। कहाँ रहते हैं? घर पलकिया हुआ। इन लोग दूसरा कोई से लड़ाई कर रहा था सर जी, और हम जूस गार रहे थे। इन लोग आया मेरी दुकान पे, बोला ना कि बताओ रे मारे जी, तुम्हारा दुकान पे पार्ट छूटा था। हम बोले मेरी दुकान पे नहीं आया भैया जी।